हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक टाइप का बहुत ही क्रेजी वीडियो लेके आया गाइस आप देख सकते हैं आज मेरे सामने यहां पर रखे है स्क्रीन में बहुत सारे ब्लू कलर के बहुत ही यूनिक यूनिक टाइप के टॉयज और स्टेशनरी आइटम आप देख सकते हैं सारे के सारे जो टॉयज है उन सभी का कलर ब्लू कलर का है है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मिकी माउस और दो बहुत अमेज अमेजिंग आइटम रखे हैं यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल बाइक है यहां पर बाइक है यहाँ पर रिमोट कंट्रोल है यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल कार भी है लंच बॉक्स भी है जोमेटरी बॉक्स भी है यहाँ पर एक गेम भी है

पहले गाइस हमारे पास है ये देखो एक प्यारा सा मिकी माउस ये देखो और ये मिकी माउस एक्चुअल में है एक बहुत ही यूजफुल चीज आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कितना अमेजिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है है ना जो मिकी माउस का प्रिंट है और मैं आपको बता दूं ये ना एक जोमेट्री बॉक्स है इसकी शेप देखो इसका डिजाइन देखो है ना डिजाइन देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये जोमेट्री बॉक्स है बट ये जोमेट्री बॉक्स है इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ गाइज देखो यहां से इसे ओपन करना पड़ेगा गाइज ये देखो अंदर से कुछ इस तरह की यहाँ पर एक ट्रे लगी है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हैं और यहां से ओपन करने के बाद गाइज ये देखो ट्रे के नीचे भी आप सामान रख सकते हैं है ना और

ये देखो यहाँ पे लिखा पेट्रोल एक्सप्रेस और कुछ इस तरह की पुलिस बाइक है यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है यहाँ पे एक पुलिस अंकल बैठे भी हैं और यहाँ पे है एंटीना और ये सुपर बाइक जैसी दिखाई देती है इसका डिजाइन देखोग इस कितना ज्यादा अमेजिंग है ये इसके टायर्स है टायर्स काफी मोटे मोटे हैं जैसे कि सुपर बाइक के अंदर होते हैं ओवरऑल आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कैसा दिखाई देता है यहां पर भी ब्लू पुलिस लिखा हुआ है यहां पर पुलिस अंकल बैठे हैं और ये कुछ ऐसी दिखाई देती है बाइक है ना थाउजेंड रुपीज इसका प्राइस है उसका रिमोट कंट्रोल भी मैं आपको दिखाता हूं ये देखो ये है इसका रिमोट कंट्रोल है ना बहुत ही अमेजिंग रिमोट कंट्रोल है इसके अंदर में बैटरी डालनी पड़ती है तो बैटरी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल रखी है और सबसे अमेजिंग बात इसको ना सिर्फ आप आगे चला सकते हो और इसको ना सिर्फ मतलब 360 डिग्री टर्न करा सकते हो इस रिमोट में सिर्फ दो ही बटन दिए गए हैं तो मैं आपको इसको चला के भी दिखाने वाला हूं है ना तो पहले हम इसको कर लेंगे ऑन यहां से मैंने इसको ऑन किया तो गाजी देखो इसके अंदर आगे लाइट जलती है और बहुत ही प्यारा पुलिस वाला साउंड भी आता है देखो है ना और ये यहां से चलती है देखो जो इसके छोटे वाले टायर है ना ये घूमते हैं जिसकी वजह से बाइक चलती है इसके अंदर आप लाइटिंग का इफेक्ट देख सकते हैं साउंड आप सुन सकते हैं तो चलो गई इसको फर्श पे चला के देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है।, है देखो फर्श पे रखने के बाद जो हमारी पुलिस बाइक है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है है ना सुपर बाइक जैसा इसका डिजाइन है सामने से आप देख सकते हैं साइड से आप देख सकते हैं और जो इसके ऊपर पुलिस अंकल बैठे हैं ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं है ना सो ये एक रिमोट कंट्रोल बाइक है तो मैं इसको चला के आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोल है और गई पहले इसको हम करेंगे चालू और चालू करते इसके अंदर बहुत ही प्यारा साउंड आता है ये देखो और यहां पर इसकी लाइट ब्लिंक होने लग जाती है देखो

जी हाँ गाईज ये देखो प्यारी सी कार है बुगाटी सहरोन कार है गाइज आप देख सकते हैं है ना और ये मेटल की कार है जिसका प्राइस है टू हंड्रेड रुपीज इसको यहां से ओपन कर सकते हैं इसके गेटों को ये देखो गेट्स यहां से, से मैंने ओपन कर लिए और अब आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है यहां पर इसके टायर्स का आप डिजाइन देख सकते हैं कितना अमेजिंग है और ये देखो है ना ओवरऑल आप ब्लू कलर में देख सकते हैं कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है करोड़ों रुपए वाली जो महंगी कार होती है ना वैसा इसका डिजाइन है और इसके गेट बंद कर देते हैं देखो यहां से गेट बंद हो गए अगर आप इसे चलाना चाहे ना आपको इसको फर्श उसको रखना है पीछे की तरफ खींचना है और

यहां पे लिखा रग्ड है ना और इसका पहले आप कंप्लीट डिजाइन देखो कैसा दिखाई दे रहा है बहुत ही अमेजिंग टाइप का बहुत ही यूनिक टाइप का इसका डिजाइन है इसका पूरा हैंडल मूव होता है और ना का ये एक सो पीस है इसको आप घर में डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसको घर में डेकोरेट करोगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा कूल cool लगने वाली है और अगर आपको बुलेट बाइक पसंद है तो ये चीज आपको जरूर अपने घर में डेकोरेशन के लिए रखनी चाहिए यहाँ पे इसका नंबर भी लिखा है सारे फीचर्स इसके ऊपर दे रखे देखो यहाँ पे पीछे के मिरर लगे बैक सीट है देखो फ्रंट सीट है हैंडल आप देख सकते हैं गार्ड यहां पर बने हुए हैं ओवरऑल जो बिल्कुल बाइक होती है ना वैसी ये दिखाई दे रही है और उसके टायर्स भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी के हैं और इसका प्राइस भी लगभग टू फिफ्टी के आसपास है टू फिफ्टी के आसपास है इसका प्राइस और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अमेजिंग है दिखाई दे रही है और इसके बाद गाइड मैं आपको दिखा दूं हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कुछ इस तरह का अलार्म क्लॉक जी हाँ ये बहुत ही प्यारा सा अलार्म क्लॉक है इसका डिजाइन आप देख सकते हैं है ना और गई ये अलार्म क्लॉक ना एक्चुअल में है एक बहुत ही यूजफुल चीज जी हाँ भाई ये है एक शार्पनर जिससे आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं अब पेंसिल कैसे शार्प होगी देखो यहां से आपको पेंसिल डालनी है ये पीछे हैंडल लगा इसको घुमाएंगे तो आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी और यहां से आप कचरा बाहर निकाल सकते हैं तो चलो गाई मैं आपको एक पेंसिल शार्प करके दिखाता हूँ भाई ये देखो हमारे पास है यहाँ पर एक छोटी सी पेंसिल जिसको मैंने छील के शार्प कर लिया और छोटी हो गई है यहाँ पे इसकी टिप ना मैंने तोड़ दी है तो अब हम इसको शार्प करके देखेंगे ये देखो ये पेंसिल को मैंने इसके अंदर सेट किया हैंडल घुमाएंगे और आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी ये देखो और जैसी पेंसिल शार्प हो जाएगी ना हैंडल स्मूथ हो जाएगा देखो हैंडल स्मूथ हो गया अब मैं आपको पेंसिल बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि आपकी पेंसिल शार्प हुई या नहीं हुई है और गाई ये देखो इसने पेंसिल को कर दिया है शार्प और कितना ब्यूटीफुल तरीके से शार्प किया है ये भी आप देख सकते हैं है ना पेंसिल की टिप आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इस शार्पनर का प्राइस है वन फिफ्टी रुपीज और कचरा आप यहां से बाहर निकाल सकते हैं गाइज देखो ट्रे के अंदर सारा कचरा आ गया है तो इसका डिजाइन आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग टाइप का अलार्म क्लॉक डिजाइन वाला शार्पनर है है ना और इसके बाद गाइज आपको दिखाता था हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल कार जी हाँ गाइज एक रिमोट कंट्रोल कार है आप ये भी देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लग रही है ब्लू कलर में पहले आप इसका ओवरऑल डिजाइन देखो यहाँ पे इसका पूरा ब्लैक कलर का पार्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है यहाँ पे छोटे छोटे शीशे लगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कितना यूनिक टाइप का इसका डिजाइन है यहां पर आप इसका टायर्स भी देख सकते हैं टायर्स का डिजाइन भी बहुत ही अमेजिंग है ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रही है और इसका रिमोट कंट्रोल भी मैं आपको दिखाता हूं। ये है इसका रिमोट कंट्रोल ग्रीन कलर का रिमोट कंट्रोल है एंटीना आप देख सकते हैं यहां पर इसका है ना इसके अंदर में दो डबल ए बैटरी डालनी पड़ती है मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं और इसको ओपन करने में थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और ये देखो देखोग यहां से मैंने इसे कर लिया ओपन इसके अंदर दो डबल ए बैटरी लगानी पड़ती है तो बैटरी मैंने ऑलरेडी लगा रखी है इसको मैं कर देता हूं बंद है ना यहां से मैंने इसे कर दिया है बंद और हमारा रिमोट कंट्रोल वर्क करने के लिए रेडी यहाँ पर आप, आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट जल रही है अब इस कार तो मैं को मैं आपको चला के भी दिखाने वाला हूँ ऑन और ये देखो ऑन करते ही इस कार के अंदर बहुत ही अमेजिंग सी लाइट जलती है देखो ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट इसके अंदर ब्लिंक हो रही है और यहां से आप इसको चलाएंगे तो ये देखो ये देखो रिमोट कंट्रोल से मैं इसको आगे पीछे चला तो इसके आप देख सकते हैं टायर कैसे घूम रहे हैं है ना कितनी अमेजिंग चीज और कह यहाँ से आप इस वाले बटन से आप इसको लेफ्ट राइट चला सकते हैं ये देखो ये देखो है ना कितनी अमेजिंग चीज तो चलो चलगा इसको फर्श पे रख के देखते हैं कि ये कैसी दिखाई देती है उसकी परफॉर्मेंस कैसी तो है, है देखो फर्श पे रखने के बाद हमारी कार का डिजाइन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है ये देखो वाह बहुत ही अमेजिंग और साइड से आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है तो चलो गाइस इसको ऑन करते हैं ऑन करते हैं तो गाइस ये देखो यहां पर ऑन करते हैं इसके अंदर लाइट जलने लग जाती है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है गाइस ये देखो है ना ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट इसके अंदर ब्लिंक हो रही है अब गाइस ये है इसका रिमोट कंट्रोल अब इसको चला के देखते हैं ये देखो और गाइस कुछ इस तरह से परफॉर्म करती है ये देखो ये देखो वाह बहुत ही अमेजिंग इसकी परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं ये देखो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है गाई और कुछ इस तरह से ये देखो आगे और पीछे चलती है देखो मैं इसको आगे चला रहा हूं और गाई ये देखो ये पीछे भी चलती है ये देखो इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अमेजिंग है है ना? और सबसे अमेजिंग बात देखो इसके टायर जो आगे वाले ना वो लेफ्ट राइट right चलते हैं जिसकी वजह से इसको आप आगे पीछे लेफ्ट राइट right किसी भी एंगल में चला सकते हैं है ना कितनी अमेजिंग चीज जो कि इसका बहुत ही अमेजिंग फीचर है और जब चल रही है तो गाइज आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कितना ज्यादा कूल लग रहा है तो अगर आपको तो भी यह कार पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सो so गाइज आपने देखा कि हमारी रिमोट कंट्रोल कार कैसे वर्क करती है इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर आप इसको चलाओगे और इसका प्राइस मैं आपको बता दूं ये आपको फोर हंड्रेड में मिल जाएगी फोर हंड्रेड के हिसाब से गाइज कार का प्राइस बहुत अच्छा है इसकी क्वालिटी बहुत औसम है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास पर एक प्यारा सा चाबी का छल्ला जी हाँ ये देखो फिफ्टी रुपीजे चाबी का छल्ला मिला जो कि एस्ट्रोनोट में आता है इसका पूरा लुक आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है मास्क और इसका पट्टा भी आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है इसके साथ जब आप चाबी लगा के इसको यूज करोगे ना तो बहुत ज्यादा ये कूल लगने वाला है है ना फिफ्टी रुपीज के हिसाब से ये पैसा वसूल चीज है और इसके बाद गाई हमारे पास है यहाँ पर एक प्यारी सी बड़ी सी गन जी इज हाँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक प्यारी बड़ी सी गन है और गाइज ये गन एक्चुअल में एक बहुत ही यूजफुल चीज है देखो यहां से मैं इसको ओपन करूंगा तो गाइज ये देखो ये है एक पेन जी हाँ गाइज ये गन वाले डिजाइन में पेन है इसको आप कुछ इस तरह से लिखने के लिए यूज कर सकते हैं और इसका डिजाइन देखो है ना फिफ्टी रुपीज में मुझे मिला मिलाई और फिफ्टी रुपीज के हिसाब से जो इसका डिजाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है बहुत ही बड़ी जो खतरनाक वाली गन होती है ना वैसा इसका डिजाइन है कलर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है है ना और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हेलो किटी वाले डिजाइन में बहुत ही अमेजिंग डबल शार्पनर जी हाँ डबल शार्पनर है ना इसके अंदर आप देख सकते हैं हेलो किटी का पूरा पैटर्न बना हुआ है और अगर हम इसको यहां से ओपन करें तो इसके अंदर दो शार्पनर हैं जिससे आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं एक लॉन्ग पॉइंट और एक शॉर्ट पॉइंट पेंसिल को शार्प करता है यहां से बंद कर देंगे तो आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है ना और उसके बाद ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक प्यारी सी लिपस्टिक और गाइज ये लिपस्टिक नहीं है ये एक्चुअल में है एक पेन जी हाँ गाइज यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखो ये भी एक पेन है जिसको आप लिखने के लिए यूज कर सकते हो और ढक्कन लगाने के बाद ये लिपस्टिक जैसा दिखाई देता है यहां पे इसके अंदर ना लिक्विड भरा हुआ है ये देखो जो कि कुछ इस तरह से मूव होता है ये देखो ये देखो है ना बहुत ही प्यारा है ये अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो इस तरह का क्रिएटिव मतलब यूनिक टाइप की चीज आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं देखने में लिपस्टिक जैसा बट ये पेन है बहुत ही कूल लग रहा है गाइजी और इसके बाद गाइज मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे हमारे पास एक वॉटर गेम जी हा गाइजी एक कार के स्टेयरिंग वाले डिजाइन में एक वाटर गेम यहां पे लिखा है गेम मशीन पे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे काफी सारे सर्कल हैं और दो पिन बने हुए हैं यहां पे दो बटन हैं इन बटन से कुछ इस तरह से इस वाटर गेम को खेला जाता है ये देखो आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसके अंदर जितने भी सर्कल है ना वो घूमने लग जाते हैं और ये सारे सर्कल आपको घुमा घुमा के इन दो पिन के अंदर डालने हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है ये देखो यहाँ पे मैंने दो एक पिन के अंदर ना काफी सारे सर्कल डाल भी हैं आपको दिखाई दे रहा हुआ तो काफी यूनिक टाइप का ये वाटर गेम है और इसका जो डिजाइन है ना कार स्टेयरिंग वाला ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है मुझे लगा ये बहुत पसंद आया और मैं आपको बता दू मात्र हंड्रेड रुपीज इसका प्राइस है सौ रुपये में इसको यूज करके आपको मजा ही आ जाएगा और मैं आपको एक और गेम दिखाता हूँ ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक और गेम जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है है ना यहाँ पे लिखा है मेज गेम यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इस तरह से देखो मैग्नेट वाला एक पार्ट देखने मिलता है जिससे हम इन गोलियों को कुछ इस तरह से घुमा घुमा के सेंटर में ले जा सकते हैं ये देखो है ना मैं आपको एक गोली और यूज करके दिखाता हूं बट अगर अगर आप बिना इसके यूज करोगे ना इसको तो गोलियों को खेलने में मतलब इस गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ये देखो यहाँ पे इसके अंदर चार पांच छह छह मेटल की गोली डली है जिनको आप घुमा घुमा के घुमा घुमा के सेंटर में लाना होता है है ना काफी अमेजिंग टाइप का एक गोलियों वाला गेम है अब इस गेम को एक्चुअल में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता बट गाइज आप देख सकते हैं मैं इसको खेलने की कोशिश कर रहा हूं तो इसके अंदर ये गोलियों का अंदर पहुंचाना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है देखो यहां से मैं ट्राई करता हूं देखो यहाँ पे गोली रुक गई है और गाई देखो एक गोली तो चली गई है आदि को सेंटर में चली भी जाएगी ये देखो एक गोली यहां पे सेंटर में आ गई है सारी की सारी गोलियों को सेंटर में लाना बहुत मुश्किल है बट ये देखो मेरे हाथ में ना एक मैग्नेट की स्टिक है इस स्टिक से आप सारी गोलियों को अंदर ला सकते हैं गाइस ये देखो यहां पे है ना इनको भी ला के दिखाता हूं मैं आपको ये देखो बहुत ही अमेजिंग बहुत ही यूनिक टाइप का आइटम है गाइस ये आपने छोटे छोटे साइज की वोट मतलब जो इस तरह की गेम होती है ना वो जरूर देखेंगी बट बड़े साइज की यूज करने में मजा ही अलग है गाइस ये देखो इस मैग्नेट स्टिक की वजह से मैंने चार गोली सेंटर में यहां पर ले हैं, है ना तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है और जो इसकी स्टिक है वो यहां पर लग जाती है है ना ये मुझे वन फिफ्टी रुपीज में मिली है वन फिफ्टी रुपीज में कहिए पैसा वसूल चीज है और उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है यहां पर एक प्यारी सी कार जी हाँ कुछ इस तरह की कार है हमारे पास यहां पे इसके टायर्स आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग इसके टायर्स हैं ये देखो और उसका सामने से सा आप डिजाइन देख सकते हैं कितना यूनिक टाइप का इसका डिजाइन है फर्श पे रखने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से चला भी सकते हैं लेकिन गाइज ये कार एक्चुअल में कार है ही नहीं डिजाइन इसका कार जैसा है लेकिन गाइज ये है एक पेन जी हा गाइज ये है कार डिजाइन में पेन यहाँ पर बटन है बटन को दबाने पर कुछ इस तरह से इसकी टिप बाहर आ जाती है ये देखो यहां से आप इसको लिखने के लिए यूज कर सकते हैं है ना

मेटल क्वालिटी में आता है ये इसका डिजाइन कलर आप देख सकते हैं अलग अलग दोनों है लेकिन दोनों का कलर ब्लू है ये डार्क ब्लू है ये थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का है है ना और कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है और इसको ना पर्स की तरह यूज कर सकते हैं देखो यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से लटका सकते हो कहीं भी ले जाना चाहो लटका के ले जा सकते हो और यहां से इसका ओपन करोगे तो गाइस ये देखो इसको यहां से ओपन करने पे इसके अंदर कुछ इस तरह का स्पेस देखने मिलता है जिसके अंदर आप छोटे साइज की चीजें रख सकते हैं पैसे वगैरह कुछ भी आप रखना चाहे रख सकते हैं है ना तो गाइस आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है ये आपको सेवेंटी रुपीज के आसपास मिल जाएगा यहां से मैंने इसको बंद कर लिया ये दूसरा वाला भी मैं आपको ओपन करके दिखायाता हूं आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया कॉमेंट में बताना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखना गाइस ये देखो है ना कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है यहां से मैं इसको कर लेता हूं बंद गाइज मुझे दोनों बहुत ही अमेजिंग लगे डिजाइन और कलर की वजह से और मेटल क्वालिटी में यानी कि सालों साल खराब भी नहीं होंगे और गाइज के बाद मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है यहां पर ये यह देखो बहुत ही अमेजिंग सा मल्टी फंक्शन जोमेट्री बॉक्स जी हां गाइज ये एक मल्टी फंक्शन जोमेट्री बॉक्स है और आप इसका पूरा डिजाइन देख सकते हैं यहां पर इसके ऊपर स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है यहां पर भी स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है और इसके अंदर का एक पार्ट निकल गया मैं इसको वापिस डाल देता हूं पहले ये देखो मैं आपको इसके फीचर बताता हूँ ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर चार बटन बने हैं इन चार बटन को दबाने से इसके अंदर चार डिफरेंट कंपार्टमेंट ओपन होते हैं ये देखो इस वाले बटन के ऊपर इनके ऊपर लिखा भी हुआ है देखो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे इरेजर लिखा है यहाँ पे सीजर यहाँ पे पेंसिल शार्पनर लिखा है तो गई इसको ओपन करके देखते हैं देखो यहाँ से मैं बटन दबाता तो ये देखो यहाँ पे आपको इस वाले कंपार्टमेंट एक छोटी सी इरेजर देखने मिल जाती है और आप इसके अंदर अपनी मर्जी से इरेजर रख भी सकते हैं है ना इस वाले बटन को दबाएंगे तो ये देखो यहाँ से मैं इसके अंदर एक सीजर यानी कि कैंची देखने को मिलती है ये देखो जिससे आप कागज वगैरह कुछ भी कट करना चाहे कट कर सकते हैं और इसको बना हुआ है यहां पर भी आप रख सकते हैं। और इसको दबाने से ये देखो। यहां पर आपको एक टेप देखने को मिलती है सेल्लो टेप और सेल्लो टेप को कट करने के लिए यहां पर कटर भी लगा हुआ है चार डिफरेंट बटन मैंने दबाया चार डिफरेंट कंपार्टमेंट ओपन हो गए इसको मैं वापिस से कर देता हूं बंद ये देखो यहां से मैंने इसे कर लिया बंद और यहाँ से भी आप इसको ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर सामान आप रख सकते हैं यहाँ पर पेन पेंसिल कलर होल्डर लगा हुआ है, है ना और यहाँ पर एक बटन है देखो इसको स्लाइड करने से इसके अंदर यहाँ पर स्केल निकलता है इस जोमेट्री बॉक्स के अंदर हमें इनबिल्ट स्केल वाला कंपार्टमेंट भी देखने मिलता है ये देखो यहां पे हम इसके अंदर स्केल भी डाल सकते हैं और आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा कूल लग रहा है वाह मजा आ गया है ना और इसका प्राइस मैं आपको बता दू थ्री हंड्रेड रुपीज इसका प्राइस है और इसके बाद गाइज हमारे पास है यहां पर प्यारा सा छोटा सा स्पिनर जी हाँ गाइज ब्लू कलर का स्पिनर है और का ये स्पिनर भी मुझे मिला है हंड्रेड रुपीज में हंड्रेड रुपीज के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है छोटा सा डिजाइन है इसका मतलब ये स्टार वाले डिजाइन में आता छोटा सा साइज है इसका और कुछ इस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं और मुझे तो फिटजेट स्पिनर चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है इसलिए मेरे पास ना कम से कम हंड्रेड फिटजेट स्पिनर कलेक्ट हो गए हैं आपके लिए मैं हर वीडियो में एक फिटजेट स्पिनर दिखाता ही हूं है ना और ये वाला आप देख सकते हैं सो स्पिनर में से ये एक स्पिनर है जो कि बहुत ज्यादा कूल लग रहा है और ये ब्लू कलर में है और जो इसका स्टार वाला डिजाइन है न बहुत

ट्रे को हटाने के बाद इसके नीचे भी आप सामान रख सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जोमेट्री बॉक्स है आज तक मैंने आपको बहुत सारे जोमेट्री बॉक्स दिखाए बट ये बहुत ज्यादा यूनिक है तो पहले मैं इसको कर लेता हूं बंद है ना बंद करने के बाद गाइज यहां से देखो इस वाले पार्ट को खींच के आप इसको ट्रॉली बैग की तरह चला भी सकते हैं कुछ इस तरह से गाइज ये देखो वाओ है ना कितनी अमेजिंग चीज ट्रॉली बैग वाले डिजाइन में कार जोमेट्री बॉक्स ये देखो यहां पे इसके टायर है ये अच्छी तरीके से वर्क करते हैं कुछ इस तरह का ओवरऑल ये दिखाई देता है इसका डिजाइन ही अपने आप में बहुत यूनिक है वन फिफ्टी में मुझे मिला है वन फिफ्टी रुपीज के हिसाब से पैसा वसूल चीज है और इसके बाद गाइज में आपको दिखाता हूं हमारे पास यहां पर एक प्यारा सा एस्ट्रोनोट वाले डिजाइन वाला बहुत ही अमेजिंग सा एक लंच बॉक्स जी हाँ ये बहुत ही क्रेजी लंच बॉक्स है ये देखो इसकी क्वालिटी देखो बहुत ही ज्यादा हैवी वेट है यहां पे लिखा आई नीड मोर स्पेस और स्पेस यहां स्पेस मैन यहां पे बनाया जिसको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा हैवी लंच बॉक्स है देखो यहाँ पे इसके ऊपर लॉक लगे चारों लॉक मैं आपको ओपन करके इसको दिखाता हूं कि अंदर से ये कैसा दिखाई देता है ये देखो मैंने इसको ओपन किया तो गाइज ये देखो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है हमें इसके अंदर कुछ इस तरह के इस... व्हाइट कलर का स्पून और व्हाइट कलर की डब्बी देखने मिलती है इसके अंदर आप है ना सब्जी वगैरह रख के ले जा सकते हैं और अंदर से ये पूरा मेटल क्वालिटी का है मतलब जब आप इसके अंदर खाना रखोगे ना खाना ठंडा नहीं होगा और तो और यहां से आप इसको कुछ इस तरह से बंद कर सकते हैं और मैं आपको इसका एक और फीचर बताता हूं देखो यहां से आप इस वाले पार्ट को खींच के रखोगे ना तो यहां से थोड़ी बहुत गैस निकल जाएगी है ना जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है और वापस आप इसको यहां से कवर कर सकते हो और ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है थ्री हंड्रेड रुपीज में मुझे लंच बॉक्स मिला है और थ्री हंड्रेड रुपीज के हिसाब से गाइजिए पैसा वसूल चीज है और हमारे पास है ये देखो एक मिकी माउस वाले डिजाइन वाला बड़ा जंबो पेंसिल बॉक्स जी हाँ गाई, ये बड़ा जंबो पेंसिल बॉक्स है यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा मिकी माउस का प्रिंट बना हुआ है इसकी चैन की क्वालिटी देखो इसका पूरा पैटर्न देखो आप कितना फिनिशिंग के साथ है ये देखो है ना इसको हम ओपन करके देखते हैं यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो गाइजिए ये देखो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ब्लू कलर का बहुत ही कूल स्पेस है ना यहां से इसको ओपन करेंगे तो गई ये देखो यहां पर आपको चैन देखने मिलती है इस चैन के अंदर यहाँ पे सामान रख सकते हैं जो कि इधर उधर नहीं भागेगा मतलब सामान आपका सेफली रखा रहेगा यहां पर पेन पेंसिल कलर होल्डर लगा हुआ इसके अंदर पेंसिल को अटका देंगे तो पेंसिल इधर उधर नहीं भागेगी और यहां से हटाएंगे तो गाइस ये देखो इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलता है थ्री हंड्रेड रुपीज के आसपास पेंसिल बॉक्स मिल जाएगा इसको पेंसिल बॉक्स जोमेट्री बॉक्स पेंसिल पाउच कुछ भी आप कह सकते हैं है ना डिजाइन आप देख सकते हैं कलर आप देख सकते हैं और इसका अमेजिंग फीचर मैं आपको बता दूं इसको गंदा होने के बाद आप इसको आराम से क्लीन भी कर सकते हैं है ना कितनी अमेजिंग चीज और इसके बाद ये देखो हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी कार जो कि बन जाती है रोबोट जी हाँ गाइज सामने से आप देख सकते हैं इसकी आंखें बनी हुई है यहाँ पे स्माइली बना हुआ है यहाँ पे इसके ऊपर सायरन भी लगा हुआ है और इसके टायर देखो गाइज कुछ इस तरह के इसके टायर है ये देखो ये देखो किस तरह से टायर चल रहे हैं और ये बहुत ही प्यारी कार है अभी ये प्यारी किरण आपको बता दो जब इसको चलाते हो ना कुछ इस तरह से तो क्या जब ये टक्कर खाती है तो इसके आगे वाले पार्ट के दबने से कुछ इस तरह से बन जाता है रोबोट ये देखो अंदर से रोबोट जैसा दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ मान लीजिए आप इसको चला रहे हैं और जब एक किसी चीज से टक्कर खाएगा तो कुछ इस तरह से रोबोट बन जाएगा ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर रोबोट लगा हुआ है है ना कितनी में जिन चीज बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में और जिसका कार वाला स्माइली डिजाइन है ना स्माइली फेस है ये भी बहुत ज्यादा कूल लगता है और इसके बाद का हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लू कलर के टॉय रखे हैं जिनको मैं यहाँ स्क्रीन में ले आता हूँ ये देखो है ना अब मैं आपको एक सारे टॉय दिखाने वाला हूँ सबसे पहले ये देखो हमारे पास एक स्पेस व्हीकल जो कि एक्चुअल में है एक डबल डेकर बस है ना डबल डेकर बस है यहाँ पे इसके टायर लगे हैं देखो चार टायर लगे हैं इसके नीचे चारों बिल्कुल वर्किंग कंडीशन वाले टायर हैं यहाँ पे लिखा है स्पेस व्हीकल है ना यहाँ पे स्पेसमैन बना भी हुआ है और कहा ये है एक जोमेट्री बॉक्स जो कि मेटल क्वालिटी में आता है जिसका डिजाइन बस जैसा है और यहां पे लिखा है स्पेस विकल है ना अब मैं आपको इसको अच्छे से ओपन करके दिखाता हूँ ये देखो इसको हम यहां से ओपन करेंगे तो यहाँ पर ट्रे लगी है इसके अंदर आप छोटे साइज का सामान रख सकते हैं इसके नीचे भी आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं गाई ये देखो है ना और इसको यहां से बंद करने के बाद आप इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट को भी ओपन कर सकते हैं यहां पर भी आप काफी सारा सामान रख सकते हैं वन से नाइन तक टेबल यहां पर लिखा हुआ है इसको कंप्लीटली बंद कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक एक्चुअल डबल डेकर बस होती है और इसका एक और फीचर मैं आपको बताता हूं ये देखो यहां पे इसके छेद है इसके अंदर आपको शार्पनर भी देखने को मिलता है ये देखो यहां से इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर जिससे आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं यहां से इसको बंद कर देंगे तो इसका डिजाइन और कलर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अमेजिंग है है ना डबल डेकर वाले बस वाले डिजाइन में ये बहुत ही प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स है और इसके बाद हमारे पास एक और ज्योमेट्री बॉक्स है गाइज ये देखो ये है एवेंजर्स वाले पैटर्न में इसका साइज आप देख सकते हैं बहुत ही पतला बहुत ही छोटा इसका साइज है और गई ये भी एक बहुत ही अमेजिंग जोमेट्री बॉक्स मैं आपको बताऊंगा क्यों ये देखो यहाँ पर हल्क आयरन मैन कैप्टन अमेरिका सब बने हुए है ना और गई ये पतला जोमेट्री बॉक्स है बट गई इसको अगर आप यहां से ओपन करोगे तो गई ये देखो यहां पर आप सामान रख सकते हैं और दूसरी साइड से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं गई ये देखो यहां पर आप इसके अंदर दोनों साइड से सामान रख सकते हैं छोटा सा जोमेट्री बॉक्स है बट ये दोनों साइड से ओपन होता है और सबसे अमेजिंग बात इसके ऊपर जो एवेंजर्स वाला पैटर्न बना हुआ है ना ये इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है यहां पर एक प्यारी सी बाइक जी हां गाइज ये देखो एक ब्लू कलर की बाइक है ऐसी बाइक मैंने आपको येलो कलर में भी दिखाई हुई है सबसे पहले आप इसका डिजाइन देखो ब्लू कलर में कितना क्रेजी कितना यूनिक टाइप का कितना अमेजिंग इसका डिजाइन है यहां पे इसका टायर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ब्लू कलर के टायर हैं ओवरऑल इसका ब्लू कलर का कलर कंट्रास्ट बहुत ही ज्यादा कूल cool लग रहा है और इसको चलाने के लिए ना देखो इसके नीचे पर छोटे टायर लगे हैं इन टायर की मदद से ये बाइक चलती है इसको चलाने के लिए हमें इसको फर्श पे रखना होता है और कुछ इस तरह से हम इसको चला सकते हैं गाइजिए देखो वा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है है ना इसके डिजाइन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया गाइजी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी बाइक है ये मुझे वन ट्वेंटी रुपीज से वन फिफ्टी रुपीज के बीच में मिली थी और आप इसको घर में डेकोरेशन के लिए रख सकते हो क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है है ना बहुत ही प्यारा शो पीस है ये और हमारे पास है यहाँ पर ये देखो प्यारी प्यारी छोटी सी इरेजर मैं आपको दिखाता हूं ये देखो एक है हमारे पास ब्लू कलर की गन वाले डिजाइन वाली इरेजर जी हाँ गाइस ये इरेजर है इससे आप पकड़ के पेंसिल का लिखा हुआ आराम से इरेज कर सकते हैं और हमारे पास है गाइस ये देखो एक हेलीकॉप्टर वाले डिजाइन वाली इरेजर ये देखो से हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर की हम खोल सकते हैं ये देखो प्यारा सा सा क्यूट सा छोटा क्यूट डिजाइन वाली इरेजर जो कि का है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और हमारे पास है यहां पर ये देखो, एक एस्ट्रोनोट वाले डिजाइन वाली इरेजर और मैं आपको बता दू इन सभी इरेजर का प्राइस है टेन टेन रुपीज टेन रुपीज में आपको ऐसी इरेजर आराम से मिल जाएगी और आप इन सभी का डिजाइन देख सकते हैं कितना कूल है एस्ट्रोनोट वाले डिजाइन में यूनिकॉर्न वाले डिजाइन में गन वाले डिजाइन में और हेलीकॉप्टर वाले डिजाइन में और इसके बाद गाई हमारे पास है यहाँ पर एक प्यार इसी कुछ इस तरह की गाड़ी है ना गाड़ी का बना हुआ स्माइली फेस और यहां पर देखो इसके ऊपर जो बटन है ना इसको दबाने पर यह चलती है देखो यहाँ पे प्लस का साइन बना हुआ यानी कि एक एम्बुलेंस हुई है है ना जो छोटा सा एम्बुलेंस टॉय है जिसको यहां से आप कुछ इस तरह से चला सकते हैं अगर आप इसको चलाना चाहें तो आपको यहां पे रखना है इसको फर्श पे और यहां से इसका बटन दबाना और छोड़ देना है है ये देखो ना तो ये ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी बहुत ही अमेजिंग सी डिजाइन आप देख सकते हैं कलर आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है और इसका जो चलने का पैटर्न है ये बहुत ही अमेजिंग है छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा टॉय हो सकता है और हमारे पास है यहाँ पर एक प्यारा सा कुछ इस तरह का चश्मा और ये नॉर्मल चश्मा नहीं है बच्चों के लिए बहुत ही क्रेजी चश्मा होने वाला ये देखो कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है ओवरऑल है ना यहां पर आप इसका डिजाइन देख सकते हो और यहां पर इसका डिजाइन देख सकते हैं और इसका एक फीचर बताता हूं यहां से आप इसको कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं ये देखो यहां से इसका पार्ट बंद हो जाता है और यहां से ये ओपन हो जाता है है ना कितना अमेजिंग सा बच्चों को ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और इसका डिजाइन कलर आप देख ही सकते हैं ये मुझे हंड्रेड रुपीज का मिला आई थिंक ये है ना हंड्रेड रुपीज के हिसाब से गाइजी बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग ये चश्मा है डिजाइन आप देख सकते हैं कलर आप देख सकते हैं और इसके बाद गाइड आपको दिखाता हमारे पास है ब्लू कलर का एक प्यारा सा ट्रॉली बैग जी हाँ गाइस ब्लू कलर का एक बहुत ही प्यारा ट्रॉली बैग है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे इसके नीचे टायर लगे हुए यहां पर हैंडल है इसको आप कुछ इस तरह से चला भी सकते हैं और मैं आपको बता दू यूनिकॉर्न वाले पैटर्न में ट्रॉली बैग है एक्चुअल में एक शार्पनर इरेजर का कॉम्बो यहाँ पे आप आप इसके अंदर इरेजर रख सकते हैं कॉइन्स रख सकते हैं यहां पे इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर जिससे आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है खुलने के बाद यहां से आप इसको बंद करके शार्पनर और इरेजर का ट्रॉली बैग बना सकते हैं है ना बहुत ही अमेजिंग चीज है और इसके बाद गाइज में आपको दिखाता हूं

है ना कितनी अमेजिंग लाइट जल रही है और अंधेरे में ये लाइट आपको टाइम देखने में हेल्प करेगी और अगर आप इसको हाथ में पहनोगे तो पाओ पेट्रोल वाली बाइक कुछ ऐसी मतलब पाओ पेट्रोल वाली जो ये है वॉच है ना ये कुछ ऐसी ही दिखाई देगी डिजाइन आप देख सकते हैं कितना कूल cool लग रहा है अगर आपने कभी पाओ पेट्रोल कार्टून देखा तो आपको पता वो वर्ल्ड फेमस कार्टून है और यहाँ पे जो इसका कैरेक्टर बना है ना बहुत ही कूल cool लग रहा है और हमारे पास है यहां पर ये देखो एक प्यारा सा कुछ इस तरह का पेप्सी का कैन जो कि एक्चुअल में है एक चाबी का छल्ला ये देखो पेप्सी जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना उसका एक कैन है ये चाबी का छल्ला है इसको हम यहां से ओपन करेंगे तो गाई ये बन जाता है एक बहुत ही प्यारा सा पेन ये देखो है ना पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक वाला कैन एक पेन है जो कि देखने में चाबी के छल्ले जैसा दिखाई देता है ये देखो है ना बहुत ही अमेजिंग बहुत ही यूनिक टाइप का आइटम और इसके बाद गाइज हमारे पास है ब्लू कलर का एक बहुत ही प्यारा सा हेलमेट और गाइज ये हेलमेट भी एक बहुत ही यूजफुल चीज है मैं आपको बताता हूँ क्या है यहां से इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो यहाँ पे इसके अंदर छेद है नीचे से ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो इसके अंदर लगे हैं दो शार्पनर जिससे आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं यानी कि जो हमारा ये हेलमेट है ना ये एक्चुअल में है एक डबल शार्पनर जी हाँ गाइज ये एक शार्पनर है जो कि देखने में हेलमेट जैसा दिखाई देता है और हमारे पास यहां पर प्यारी प्यारी दो दो वॉचिज ये देखो एक है कैप्टन अमेरिका वाले डिजाइन में एक है फ्रोजन वाले डिजाइन में टू हंड्रेड रुपीज दो प्राइस है मतलब आपको एक वॉच टू हंड्रेड रुपीज में मिल जाएगी यहां पर आप इसके अंदर टाइम देख सकते हैं पांच बजे छत्तीस मिनट रुके यहाँ पे दो छोटे छोटे बटन है इन बटन को दबा के आप इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं और अगर आप इसको हाथ में पहनोगे तो ये देखो इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है यहां पर आप इसके अंदर टाइम देख सकते हैं और अगर आप इसके टाइम वाले पार्ट से बोर हो जाए तो कुछ इस तरह से आप इसको अंदर भी कर सकते हैं ये देखो ये देखो है ना इसका अंदर चला जाता है टाइम देखने वाला पार्ट और तो और गाइस ये एक प्रोजेक्टर वॉच है है ना अगर हम यहां पे इस वाले बटन को हम दबाते हैं तो यहां से इसके अंदर लाइट निकलती है और गाइस इसके अंदर से हम टोटल 24 कैरेक्टर दीवार पर देख सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोजेक्टर वॉच है सेम इसी तरह से ये वाली वॉच भी है ये कैप्टन अमेरिका वाली है फ्रोजन कार्टून वाली है और दोनों को आप देख सकते हैं टू हंड्रेड रुपीज की एक वॉच है और दोनों का डिजाइन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है और दोनों ही प्रोजेक्टर वॉच है तो मैं आपको ये वाली वॉच यूज करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है और गाइस ये देखो अंधेरे में आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट जलती है थोड़ी सी और इसकी रोशनी किस इस तरह से बाहर आती है और अगर हम इसकी रोशनी को दीवार पर मारें तो कुछ इस तरह से आपको बहुत ही अमेजिंग 24 कैरेक्टर दीवार पर दिखाई देंगे जितनी बार आप बटन दबाओगे उतनी बार आपको एक अलग कैरेक्टर दीवार पर दिखाई देगा और गाइस ये देखो दोनों वॉचेस आप देख सकते हैं आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद आई कमेंट में जरूर बताना और हमारे पास यहां पर प्यारी सी कैट ये कैट एक्चुअल में है एक इरेजर जी हाँ गाई यहां पे इसके पीछे स्लाइडर लगा यहां से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसके अंदर से इरेजर बाहर आती है यहां से पढ़ के आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं और हमारे पास है गाइज ये देखो दो तीन प्यारे प्यारे शार्पनर मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा एक है गाइज हमारे पास कार वाले डिजाइन वाला शार्पनर है ना इसको हम यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर दो शार्पनर लगे हैं जिससे आप पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट शार्प कर सकते हैं और एक है गाइज ये देखो स्पाइडर वाले डिजाइन वाला शार्पनर है ना ये बॉल जैसा दिखाई देता है यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी शार्पनर लगा हुआ है और यहां पे एक फुटबॉल वाले डिजाइन वाला शार्पनर इसको भी ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी शार्पनर लगा हुआ है और यहां पे हमारे पास एक स्टार वाले डिजाइन वाला शार्पनर इससे भी आप यहां से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं चारों को आप देख सकते हैं एक कार डिजाइन वाला दो बॉल डिजाइन वाले और एक स्टार वाले डिजाइन वाला है और हमारे पास है ये देखो प्यारी प्यारी सी दो लिपस्टिक ये देखो बहुत ही प्यारी प्यारी दो लिपस्टिक है और दोनों किसी कार्टून कैरेक्टर में आती है और अगर मैं इसको ओपन करूं तो गाइज ये है एक इरेजर जी हाँ ये इरेजर है जिससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से पकड़ के और दोनों की दोनों लिपस्टिक ना सेम डिजाइन में और दोनों की दोनों इरेजर है ना कितनी अमेजिंग चीज और ये आपको टेन रुपीज में मिल जाएगी और हमारे पास यहां पर एक ये देखो कुछ इस तरह का छोटा सा क्यूट से डिजाइन वाला शार्पनर यहां से ओपन करके यहां से आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं और लास्ट में गाइज हमारे पास है कुछ इस तरह का ये देखो पेपर सोप की बोतल इसको आप यहां से ओपन करके इसके अंदर जो पेपर्स है ना छोटे छोटे इनसे आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं ये पेपर सोप है आपको सिंपली करना है आपको तीन चार पेपर अपने हाथ में लेने है और पानी डालने के बाद जब आप इसको रगड़ोगे तो आपके हाथों पर झाग आ जाएंगे जिसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं है ना तो ये ब्लू कलर की पेपर सोप की बोतल है सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइटम दिखाए जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी थे अगर आपको इतने सारे टॉय में से एक भी टॉय पसंद आया कॉमेंट में आना वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं सो मिलते हैं नए वीडियो मिलता अनबॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय